हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल ओवी। गाइस, ये सारी ट्रेड्स आप देख पा रहे हैं लाइव सेक्शन में। जी हाँ यार, वीडियो का जो थंबनेल है ना, जहां पे मैंने लिखा है आग लगा देने वाली स्ट्रेटजी, तो भाई उसको प्रूफ करूंगा वीडियो के अंदर, प्रूफ करूंगा, लास्ट तक देखना, मजा आएगा। तो भाई यहां पे देखेंगे लेफ्ट साइड में कुछ ट्रेड्स है वो लाइव रनिंग है, जहां पे मैं अलग अलग करेंसीज है, सारी करेंसीज अलग अलग है, टाइम फ्रेम सेम है, 5 मिनट की ट्रेड्स मैंने यहां पे प्लेस की है। हर एक ट्रेड 5 मिनट की है और इन्वेस्टमेंट हर एक ट्रेड के साथ $10 का है। इन्वेस्टमेंट और टाइम फ्रेम कॉमन है, बाकी सारी करेंसीज अलग है और हर एक ट्रेड प्रॉफिट में रोल हो रही है। क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सारी चीजें, कौन सी स्ट्रेटजी यूज की है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एक वीडियो के अंदर। लास्ट तक वीडियो देखना भाई, बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। स्ट्रेटजी को मैंने आग लगा देने वाली स्ट्रेटजी क्यों कहा है, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है बहुत ही ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, हर एक इंसान स्ट्रेटजी को समझ सकता है, आसानी से इंप्लीमेंट कर सकता है, आसानी से इंडिकेशन ले सकता है क्या क्या तरीके हैं, हर एक चीज डिस्कस होगी इसी एक वीडियो के अंदर। लास्ट तक देखना बिल्कुल जरूरी है आप लोगों के लिए। लाइक कर दो यार वीडियो को अभी, आगे बढ़ते हैं लाइक करने के बाद। दूसरी चीज, कमेंट करो यार, हैशटैग टेक्निकल अभी यूज करना कमेंट के अंदर, बिल्कुल मत भूलना। आप हो टेक्निकल अभी यूट्यूब चैनल के साथ, मैं हूं अरविंद सिंह और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। एक और चीज, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। चलिए गाइस, सबसे पहले ना, अभी काफी ज्यादा बात हो गई है, अब हम डिस्कस लेते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर कि स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या, कैसे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो भैया यहां पे आप एक इंडिकेटर का सेक्शन देख रहे होंगे, जैसे ही आप इसे इंडिकेटर के सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहां पे लिखा हुआ आएगा ईएमए। तो यहां पे पहले मैं ना इस स्ट्रेटजी को कट कर देता हूं, तो यहां पे आएगा लिखा हुआ ईएमए, तो आपको ईएमए पे कर देना है क्लिक। बहुत ही सिंपल है, स्किप मत करना यार वीडियो को। तो यहां पे देखोगे एक पेंसिल का निशान है, इस पेंसिल के निशान पे आपको करना है क्लिक। पेंसिल के निशान पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके पास आता है माइनस और प्लस का निशान, तो इसको आपको 30 तक कर देना है, यानी इसको इसकी जो वैल्यू है वो कर देना है 30। और भाई ये जो 30 की जो वैल्यू है ना, कैसे यहां पे एक्यूरेसी दे रही है, क्यों दे रही है, बहुत टेस्टिंग के बाद मिली है, तो भाई इसी चक्कर में, सिर्फ इसीलिए, इसी प्यार के लिए लाइक कर देना। तो भाई अब आते हैं आगे, तो अब आपको क्या करना है। तो यहां पे ईएमए मैंने सेलेक्ट कर लिया है 30 का। अब देखो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलता है, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाएगा, यानी ये जो आपका पैटर्न है ना, यानी कि जो देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख पा रहे होंगे, आप फ्रेम देख पा रहे होंगे कैंडलस्टिक का, यहां पे एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगी आपको येलो कलर की, ठीक है, येलो कलर की टाइम ट्रेंड जो है वो लाइन आपको यहां पर मिल जाएगी। अब इसकी बेसिस पे हमको सिग्नल लेने कैसे हैं, देखिए सिग्नल लेने के लिए देखिए यहां पे जैसे ही ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन को एक रेड कलर की लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, तो उसके बाद ग्राफ जो है अगले 5 मिनट के लिए नीचे ही रहने वाला है। यहां पे मैंने इस पर्टिकुलर करेंसी में जो ट्रेड जो प्लेस की थी वो जल्दबाजी में की थी, क्योंकि एक ही ट्रेड बची थी, यानी सबसे लेटेस्ट वाली ट्रेड है ये, तो यहां पे एक ही ट्रेड बची थी, सबसे ऊपर वाली ट्रेड है, तो यहां पे इसीलिए मैंने इसको प्लेस कर दिया था जल्दबाजी में, क्योंकि यहां पे इस स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो नहीं किया था, मुझे जल्दी वीडियो बनाना था, तो यहां पे मैंने इसको जल्दी से प्लेस कर दिया। और माइट भी अभी भी हमारे विन, ये जो ट्रेड है इसको विन करने के चांसेस अभी भी बरकरार है, ऐसा नहीं हम लॉस ही कर गए। तो भाई कैसे स्ट्रेटजी काम करेगी, जैसे ही रेड कलर की कैंडल इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, मतलब आपका जो मार्केट है कुछ टाइम के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इसमें अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स, यानी अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स, और हम बात कर सकते हैं यहां पे इंडिकेशंस ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये एक फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि आपको कोई फॉल्स सिग्नल पे नहीं जाना है, आपको जाना है करेक्ट सिग्नल पे। तो देखो जैसे ही आपके पीछे की कुछ कैंडल्स ना, एक सीढ़ीनुमा खेत होता है ना भाई, नीचे से लेके ऊपर तक एक फ्रेम बना के जा रही है, तो उसके बाद आपको एक येलो एक ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर की डायरेक्शन में कट कर रही है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। तो यहां पे हमें जो सिग्नल्स मिलेंगे वो मिलेंगे फॉल्स सिग्नल्स। तो ऐसी जैसी कंडीशन आपको मिलती है, तो वहां पे आपको सिग्नल्स को प्रेफर नहीं करना है, यानी थोड़ा वेट कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि भाई अब आपको सही कंडीशन मिली है, यानी कि आप अनुकूल है, देखो आपको एक सीढ़ीनुमा खेत सा दिख रहा है और यहां पे रेड कलर की कैंडल ने इसको क्रॉस किया, देखो यहां पे भी क्रॉस किया था, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही क्रॉस किया नेक्स्ट कैंडल तक का वेट करना है, आप यहां पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो 5 मिनट की, आप डेफिनेटली विन करोगे, ठीक है। देखो अब यहां पे बहुत अच्छा सिनेरियो से चल, यहां पे एक कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, आपने एक कैंडल बनने तक का वेट किया, दूसरी कैंडल पे आपने ट्रेड ली 5 मिनट की, आप विन करोगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग है और बहुत अच्छी सिंपल स्ट्रेटजी है भाई। देखो मैं ट्रेड वाले सेक्शन पे जाता हूं एंड देखो एक ट्रेड हम लॉस किए हैं, बाकी सारी ट्रेड जो है हम विन करे हैं, ठीक है।
देखते हैं। देखो और बहुत अच्छे अच्छे मार्जिन से विन किया है भाई, देखो देखो भाई कितनी अच्छी मार्जिन से विन किया है, $17 का प्रॉफिट लिया है। तो भाई देखो एक नहीं कितनी सारी ट्रेडिंग, कितनी सारी जो है ट्रेड्स मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई थी और सारी की सारी ट्रेड्स हमने प्रॉफिट में लैंड किया है। तो भाई इसके लिए करना क्या है, इसी बात के लिए भाई, भाई के इसी जुनून के लिए भाई एक लाइक कर दो, एक लाइक कर दो भाई, 3 बार बोल चुका हूँ यार, अब तो कर दो लाइक, 1000 लाइक तक पहुंचा दो भाई, एम कर दो 1000 लाइक, कुछ भी नहीं होता है, जल्दी से पहुंचा दो 1000 लाइक, उसके बाद यार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ना स्ट्रेटजी बहुत प्यारी है। काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप ना एक स्ट्रेटजी को प्रूफ करने के लिए एक दो ट्रेड से लेते हो, इसलिए मैंने सोचा इस बार क्या करते हैं ना, बहुत सारी ट्रेड लगा देते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे, ताकि लोगों को बहुत सारे ट्रेड्स देखेंगे ना एक सेम स्ट्रेटजी पे, तो लोगों को ना बिलीव आ जाता है, एक समझ आ जाता है कि भाई क्या कर सकते हैं और कैसे जो है स्ट्रेटजी को यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो अब देखो यहां पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो हम करेंसी को चेंज करने वाले। एक चीज और बताऊंगा भाई, ये जो इंडिकेटर है ना, यानी कि ये जो तरीका है सिग्नल लेने का, तो भाई यहां से ना बहुत तेज तेज और बहुत जल्दी जल्दी आपको सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है, वेट नहीं करना पड़ेगा, काफी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे करेंसीज का ऑप्शन देता है वॉल्यूम ट्रेड। तो यहां पे आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब भाई एक चीज और बता देता हूं, स्ट्रेटजी जो है वो आपको हर एक ट्रेड जिता के नहीं देंगी, अभी फिर से बोल देता हूं रिपीट करके, स्ट्रेटजीज आपको हर एक ट्रेड जिता के नहीं देंगी, ट्रेड जीतना और हारना डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से यूज करते हो स्ट्रेटजी को। हाँ 10 में से 5 ट्रेड 6 ट्रेड 7 ट्रेड जरूर जिता के दे देंगी, ठीक है भाई, जरूर जिता के दे देंगे, लेकिन रोज नहीं, कभी कभार जब आपका मार्केट जो है इस स्ट्रेटजी को यूज करके कंपैटिबिलिटी के लाइक अच्छा चल रहा हो, तब जाके आपको अच्छी ट्रेड्स विनिंग मिल जाएंगी। लेकिन भाई क्लेम मत करना भाई कि आपने स्ट्रेटजी बताई है तो हर एक ट्रेड जो है विन ही करनी चाहिए, या विनिंग रेशियो मैंने यहां पे देखा है काफी अच्छा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। स्ट्रेटजी बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, सबको यूज करनी चाहिए, एक बार यूज करो और अगर अच्छी लगती है, लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मेंशन करूंगा, उसके बाद आपको कमेंट करके मुझे परेशान नहीं करना है, इस स्ट्रेटजी से आपको फॉल्स सिग्नल्स भी मिलेंगे। आपको फॉल्स सिग्नल्स कैसे, आपको पता कैसे लगेगा कौन से फॉल्स है कौन से राइट सिग्नल है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि भाई मार्केट को फॉलो करो और अपने को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही इस स्ट्रेटजी के साथ परफेक्ट हो पाओगे। बहुत आसान सा है, ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो भाई उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ गए होंगे, मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक ले बाय। एक और चीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलती है।